Good morning, class 4th. I hope you all are well. In our today's class, we will start chapter number 7, adjectives. So first of all, what is the definition of adjectives? Adjectives means the words that describe the noun or pronouns are called adjectives. The words that describe the noun or pronoun is called या आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, यानी जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं. जो नाउन और ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, कुछ भी चीज, उसकी क्वालिटी हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी, तो वो होते हैं, वो ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं, एडजेक्टिव्स. डेफिनेशन, डेफिनेशन की स्पेलिंग DEFINITION होती है. कई बार स्टूडेंट नेशन NETION लिख देते हैं, यहाँ पे एन आई आता है. ठीक है, डेफिनेशन क्या, किसकी डेफिनेशन, एडजेक्टिव्स की. द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, द वर्ड दैट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब किसके बारे में, दी नाउन और प्रोनाउन, दी नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. ओके, हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं. द वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करते हैं, किसको डिस्क्राइब करते हैं, नाउन और प्रोनाउंस को. नाउन्स का मतलब नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, बताया मैंने आपको, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करके जिन वर्ड्स को यूज करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन. नाउन का मतलब पता है, नेमिंग वर्ड्स. अब नेमिंग वर्ड्स है वो नेम ऑफ पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, एनिमल्स हो, एक्सेट्रा, कुछ भी हो. ठीक है, नाउन की जगह पर, नाउन की जगह पर जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं प्रोनाउंस. जैसे फॉर एग्जांपल, ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा. ओके, प्रोनाउंस. तो ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को, या तो नाउन या प्रोनाउन दोनों में से एक को, एक के बारे में जो वर्ड्स बताते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव. समझ आ गया, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन को रिप्लेस करके जिन वर्ड्स का यूज होता है वो होते हैं प्रोनाउन, और इन दोनों को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को कहते हैं एडजेक्टिव्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल, बात करते हैं जैसे इस ब्लैक बोर्ड की. दिस ब्लैक बोर्ड नहीं कह सकते, बोर्ड कह सकते, ब्लैक कलर का नहीं है ना. दिस बोर्ड इज वाइट इन कलर, वाइट इन कलर, यानी ये जो ब्लैक बोर्ड है इसका कलर कैसा है, व्हाइट. कलर कैसा है, व्हाइट. सो हियर, यहां पे देखो एडजेक्टिव क्या हो गया, दिस बोर्ड, यानी बोर्ड क्या हो गया, ये जो बोर्ड है ये क्या हो गया, नाउन हो गया. ये बोर्ड तो क्या हो गया, नाउन हो गया. ठीक है, नाउन इसके बारे में बता रहा है ये कि बोर्ड कैसा है, व्हाइट कलर का है, इस बोर्ड के बारे में. तो यही तो चीज है यहाँ पे डेफिनेशन में, जो नाउन के बारे में बताता है, नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है. तो ये बोर्ड के बारे में बता रहा है कि ये व्हाइट कलर का है, तो यहाँ पे ये व्हाइट क्या हो गया, एडजेक्टिव. ये व्हाइट क्या हो गया, व्हाइट कलर क्या हो गया, एडजेक्टिव. तो यहाँ कोई भी चीज, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है वो होता है एडजेक्टिव. ये फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड इज माय टीचर इज वेरी ब्यूटीफुल या वेरी इंटेलिजेंट. माय टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट, कुछ भी लिख सकते हो आप, सेंटेंस तो कुछ भी हो सकता है.
इंटेलिजेंट, तो यहां पे टीचर, टीचर क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन के बारे में ये बता रहा है कि इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट है, टीचर के बारे में क्या बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, नाउन के बारे में बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव। नेक्स्ट थर्ड, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, तो यहां पे बुक नाउन, ये नाउन हो गया, नाउन बुक के बारे में बता रहा है कि वो इंटरेस्टिंग है, तो हेयर इंटरेस्टिंग इज अ एडजेक्टिव। ठीक है, तो ऐसे जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं कि वो क्या है, कैसे है, वो होंगे एडजेक्टिव, वो वर्ड्स क्या होंगे, एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव दिखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर, फर्स्ट जो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कौन सा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी की बात करेंगे, जैसे कि इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट की क्या होगा, क्वालिटी हो गई, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सेकेंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी में सम, मोर, लिटिल, अ लिटिल, इस टाइप से, इनफ, ये सब क्या हो गया, क्वांटिटी। क्वांटिटी इसके अलावा 2 किलोग्राम, 1 स्पून, ये सब क्या हो गया, क्या हो गई, क्वांटिटी बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं। ठीक है, तो या सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 1, 2, 4, 7, ये सब क्या होंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला 1 स्पून, तो 1 स्पून यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में होगा। ठीक है, क्योंकि जिसमें भी काउंटिंग वाले जो होंगे, वो जो भी नंबर काउंटिंग, मतलब वही 3, 5, 7, 100 कुछ भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नेक्स्ट कौन सा होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एंड लास्ट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो क्वेश्चन वाले WH हो सकते हैं, WH से जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस हो सकते होंगे, इसके अलावा उनके एंड जो होगा वो क्वेश्चन मार्क्स से एंड होगा उसका। ठीक है, लास्ट में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। और इसके अलावा डिमोन्स्ट्रेटिव में, डिमोन्स्ट्रेटिव कौन से एडजेक्टिव होते हैं, जो भी सेंटेंस दिस से स्टार्ट होते हैं, जो सेंटेंस दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव। तो ये है, 4 वर्ड्स आर शोइंग द सेंटेंस आर डिमोन्स्ट्रेटिव टाइप ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी वो जो वर्ड्स, ये 4 वर्ड्स, दिस दैट दीज दोज, ये बताते हैं कि वो सेंटेंस या वो कौन से टाइप का एडजेक्टिव है, कौन से काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, दिस दैट दीज दोज। और इसके अलावा और भी जब हम ब्रीफली, तो मैंने आपको काइंड्स कितने बता दिए, 5 काइंड्स। फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ हो गया 3, तो ये हो गए, देन इसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एंड लास्ट वन इज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, 5 हो गए। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया, बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन अपकमिंग क्लास में करूंगी। आपको बस अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना है, डेफिनेशन आपको ध्यान होनी चाहिए, द वर्ड दैट डिस्क्राइब, बहुत इजी है, कोई बड़ी नहीं है डेफिनेशन। ऐसे वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, वो होते हैं एडजेक्टिव। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको, एंड काइंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ईच स्टूडेंट लर्न the definition of adjective and kinds of adjectives. Thank you.